विनेश फोगाट ओलंपिक से भले ही सिल्वर मेडल ना जीतकर लौटी हो, लेकिन जिस तरह उनका भारत में स्वागत हुआ वो बिल्कुल उनके योग्य था और वो भारत में अब काफी खुश भी नजर आ रही हैं। लेकिन क्या अब विनेश फोगाट पॉलिटिक्स में एंट्री लेने वाली है? नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विनेश फोगाट की राजनीति में एंट्री होने वाली बातें सही है या गलत। तो देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक खेल तेज हो चुके हैं। इसी बीच विनेश फोगाट ने हुड्डा परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है और बातें यहां तक पहुंच गई है कि विनेश फोगाट चरखी दादरी से चुनाव मैदान में उतर सकती है। वैसे ये बातें तो काफी पहले से चल रही है, क्योंकि जब विनेश फोगाट भारत लौटी थी तब उनके स्वागत के लिए कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और फिर हाल ही में विनेश फोगाट ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में आशा हुड्डा से मुलाकात की। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा की पत्नी भी वहां मौजूद थी। उन्होंने विनेश फोगाट को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत और सम्मान किया। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली निवास पर देश की बेटी, हरियाणा की शान हमारी बहन विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी से पारिवारिक मुलाकात हुई। अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओलंपियन पहलवान कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि विनेश फोगाट अगर कांग्रेस में शामिल होती है तो विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। वैसे विनेश ने खुद ने अभी तक राजनीति में एंट्री लेने को लेकर कुछ नहीं कहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि जो भी कांग्रेस पार्टी में आता है हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। ये उनका फैसला है कि वो क्या करना चाहती है, ये फैसला तो विनेश को ही करना होगा। बता दें कि 29 साल की विनेश फोगाट विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता रखती हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल की है। ऐसे में अगर वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की तरह राजनीति में कदम रखती हैं तो ये उनकी नई पारी होगी। वैसे उनकी चचेरी बहन बबीता फोगाट बीजेपी में है। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।